हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे। ये वर्कशीट 25 नवंबर यानी थर्सडे की वर्कशीट है और क्लास 8 की स्टूडेंट्स के लिए है। तो वो आज की वर्कशीट इंग्लिश सब्जेक्ट की है। और वर्कशीट को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे पोयम द लास्ट बार्गेन कंटिन्यूड। कंटिन्यूड यानी हमने जो पिछले वर्कशीट में पढ़ा था उसके आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विद अ स्माइल। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इन टू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इन टू द डार्क। तो शाम हो गई थी और गार्डन हेज जो है वो फ्लावर से भर गया था, यानी बहुत सारे वहां पे फ्लावर फूल खिल गए थे। जो फेयर मेड थी वो आई और उसने कहा उस आदमी को कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल दूंगी, लेकिन उसकी स्माइल जो थी वो हमेशा नहीं रहती, क्योंकि स्माइल जो है वो धीरे धीरे पेल हो जाती है, यानी स्माइल जो है चली जाती है और वो टीयर्स में बदल जाती है। तो उसकी स्माइल भी कहीं धीरे धीरे चली गई और वो टीयर्स में बदल गई और वो फिर से वापस अंधेरे में चली गई। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेव ऑडली, अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड, आई Hire you with nothing. From thenceforward, that bargain stuck in child's play made me a free man. अब क्या हुआ? अब शाम हो गई थी और सी वेव्स के पास पहुंच गए था ऑथर जो है। वहां पर उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है वो शेल्स के साथ यानी सीपियों के साथ खेल रहा है। तो उसने अपना सर उठाया और ऐसे देखा जैसे कि वो उनको जानता हो। और उसने क्या बोला ऑथर से? उसने बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। और इस तरीके से ऑथर जो है वो फ्री मैन हो गए, क्योंकि उस चाइल्ड ने, उस बच्चे ने उन्हें फ्री कर दिया। उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं देने का मतलब है कि उसने उसको आजादी दे दी। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट डिड द यंग मेडन ऑफर टू हायर हिम? वो यंग मेडन ने क्या ऑफर किया था ऑथर को? यह है स्माइल। दूसरा, द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोयम सिंबलाइजेस होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। तो डार्क का मीनिंग तो होता है अंधेरा, लेकिन वो सिंबलाइज क्या करता है, नहीं वो क्या मतलब दिखाता है? तो इसका मतलब है होपलेसनेस यानी निराशा और डिस्पेयर। थर्ड, द वर्ड अ फ्लावर मीन्स कवर्ड विद फ्लावर्स, यानी बहुत सारे फ्लावर खिल जाना। व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग? चाइल्ड क्या कर रहा था? प्लेइंग विद सीशेल्स, वो सीपियों के साथ खेल रहा था। फिफ्थ, व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर विद हिम? चाइल्ड ने पोएट को या ऑथर को क्या ऑफर किया, क्या दिया? तो चाइल्ड ने कुछ नहीं दिया, तो आंसर हो जाएगा बी, नथिंग। क्वेश्चन सिक्स, फाइंड इन द पोयम अ लाइन दैट मैचेस द फॉलोइंग, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। तो पोयम में आपको वो लाइन बतानी है जिसका मतलब होता है कि मेरे पास तुम्हें खुशी देने के अलावा और कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल। स्माइल का मतलब है खुशी, चीयर और गुडविल। सेवेंथ है, वाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड्स ऑफर? तो उस आदमी ने चाइल्ड के ऑफर को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? बिकॉज इट मेड हिम अ फ्री मैन, क्योंकि चाइल्ड ने उसे आजादी दे दी। एट, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेट्स ऑफर बिकॉज, उसने मेट की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि बी, ही न्यू दैट इमोशंस आर नॉट स्टेबल एंड दैट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो इमोशंस होते हैं वो हमेशा स्थायी नहीं होते, धीरे धीरे जो उसकी जो स्माइल है वो भी चली जाएगी। क्योंकि अगर आप सैड हो तो आप हमेशा सैड नहीं रहोगे, अगर आप खुश हो तो आप हमेशा खुश भी नहीं रहोगे। कभी आप खुश होते हैं, कभी आप दुखी होते हैं। तो जहां खुशी है वहां दुख भी है, और जहां दुख है वहां खुशी भी है। तो इसलिए उन्होंने, जो स्पीकर है, उन्होंने मेट के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आईसीटी चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको आंसर्स के पीडीएफ भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।